हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे अकेली दौड़ी गई मैं, बहुत दूर गई थी, बैंक गई थी। बैंक में आधार कार्ड लगना था, कि क्या पर मेरा काम शनिवार ही था, है बंद वीडियो थी बनाना? बहना। मेरी वीडियो से परेशान हो गई ये है? क्यों, सिलेंडर खाली होने वाला है? कितनी होगी लगभग? कितना होगा? नहीं है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी नहीं है। फिर बुक कर देता हूँ, बुक कर दो। ला मैं कौवा ले आऊँ, इनके पैर मुड़ गया है। वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गई, फिर बच्चों को लेके आई। अकेली भाग दौड़ करते करते मैं थक गई थी, इधर से उधर भागी, फिर उधर से उधर, मतलब कल का पूरा टाइम ही ऐसे ही लग गया। फिर इनके लग गई चोट, तो इस वजह से नहीं रह पाए। यहाँ पे मैंने हरे धनिया, हरा लहसुन लेके आई, जो मैंने डाला है, चटनी पीसूंगी इनके लिए। इन्होंने बोला प्रीति चटनी पीस दे, तो मैंने ठीक है लहसुन भी इसमें डाल दूंगी। तो अभी तो हरा वाला लहसुन लिया, धनिया पत्ती लिए और दो टमाटर लिए। चटनी बना रहे तो ऐसे तो है नहीं, थोड़ी सी बनाएंगे। रोटी मैंने बना ली है, चकला वेलन आपको दिख ही रहा है, पर इन्होंने बोला थोड़ी सी चटनी बना लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। इनको चटनी इतनी, इनको सब्जी दो ना दो, चटनी इनको दे दो। धनी मैंने धनिए रखे ही थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, हरी मिर्ची टमाटर जीरा थोड़ा सा डाल के अच्छे से चटनी पीस ले। मतलब मेरा एक डोंगा फुल भर गया था, तो मैंने बोला चलो काम चल गया। पर ये इनके लिए दो बार की चटनी होगी। मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, जैसे ज़्यादातर मैं मतलब आलू वगैरह से खा लेती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ। तो ये चटनी मैंने पीस के रख दिए, और टमाटर दो टमाटर ले लिए, और इतना सारा धनिया तो काफ़ी सारी हो गई थी। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है? हमारे इनको तो चटनी दे दो, उसके आगे सब कुछ फेल है। चटनी रोटी बहुत मन से खाते हैं, तो मैंने ये दो टमाटर डाले, पूरा देखिए जग भर गया है। पीसेंगे तो कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये चाकू वाकू धो के रख देती हूँ, यहाँ पे मैं साफ़ कर दूंगी। उसके बाद ये लहसुन इसमें डालेंगे। ये अकौआ का पेड़ है, इनके चोट लग गई ना, तो बताया किसी ने कि इसके ऊपर सरसों का तेल डाल के इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। तो मैंने तवे पे इसको गर्म किया, ये देखो इस तरीके से, और फिर इसको गर्म पट्टी की सहायता से इसे बांध देंगे। इनके पैर में मोच आ गई, मुड़ गया इनका पैर, तो इस तरीके से गर्म। गैस ऑफ कर दिए मैंने, अभी गर्म हो गए हैं। इनको अब करके गर्म कर, ठंड थोड़ा ज़्यादा गर्म गर्म तो नहीं, पर हल्के गुनगुने गुनगुने से इनके पैर पे बांधेंगे। इनसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, गैस भी लेने जाना था इनको, तो इस तरीके से मैंने इनके पैर पे बांध दिया है। ये देखो अब देखते क्या रिजल्ट आता। कोई कह रहा था अंडी के पत्ते बांधना, कोई कह रहा ये, तो फिर रात हो गई थी, तो फिर मैंने बोला यही बांध देते हैं, फिर सुबह देखा जाएगा। अभी ये गर्म कर लिए तो यही कर लेते हैं। इस पट्टी इतनी थी, इतनी इनके बांध दिए, हो गया था, मतलब जो गट्टा नहीं है वो सूज गया था इनका, तो मैंने इनको बांध दिए। यहाँ पे ये कुत्ते के लिए मैंने रोटी दी। इन लोगों को भी तो हमें ही देखना होता है, अगर हम इन लोगों को नहीं देंगे तो कौन देखेगा? पता है कुत्ते एक चीज़ का वो देखते हैं कि हमें एक रोटी मिले, एक एक टुकड़ा मिले, इंतज़ार करते हैं। पर इनके भाव बहुत बड़े हैं, ये सूखी रोटी नहीं खाएंगे, इनको थोड़ा सा दूध डाल के दो और तब खाते, ये नहीं खाते। तो दूध गर्म करा था, थोड़ा बच्चों को दिया और उसको दे के आई, और ये मलाई निकाल ले रही हूँ। मलाई मेरी हो गई है, घी निकालने की सोच रही हूँ। अब देखो कब घी निकले, अभी तो आलस करे जा रही हूँ। आलस क्या मेन चीज़ है, बच्चों के एग्जाम की लेट अवेयर आना जाना हो जाता है, तो फिर थक जाती हूँ, तो इस वजह से आके रह जाता। तो मेरी एक बार की इतनी मलाई निकली है, अभी नहीं कर रही हूँ, जब करूँगी। आप लोग बोल रहे घी नहीं बना रहे, तो घी अभी इतनी मलाई निकालती नहीं हूँ, ऐसे ही बच्चों को दे देती हूँ, और निकाल रही हूँ तो इतना हो नहीं पाता, धुंधला हो जाता है। कैमरा थोड़ा टच करना होता है, एक हाथ में पकड़ रखी हूँ, एक हाथ से निकाल रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बैठी हुई थी तो मैंने बच्चों के लिए गांव जाना है छुट्टियों में, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो मैंने कुछ कपड़े मंगाए हैं, तो मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ। मैं अपने तो दिखाती रहती हूँ, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कपड़े। पूरा घर फैल जाता है, बच्चे हैं छत पे, तो सबसे पहले सोना का ये पैंट है, नेकर, सॉरी ये नेकर है, आजकल चल रहे ना, ये वाला नेकर है, पीछे से कॉटन है, पिंक कलर है, और ये इसका नेकर है, और ये इसकी पीस बनियान, जो भी इस तरह की, पीछे से बैक इस तरह की, मतलब गर्मियों के टाइप के। ये देखो ब्लैक, ब्लैक सोना पे अच्छी लगती है।
इस पे ये क्या बना है, क्या कहते हैं इसे, मुझे नहीं पता, वी बना है इस तरीके की। कपड़ा कॉटन में है तो ये सोना के लिए मंगाए हैं मैंने, और एक जोड़ी और सोना के लिए स्कर्ट, ये वाली स्कर्ट है, पर ये वापस करके आऊंगी, वापस करूंगी क्योंकि स्कर्ट सही है पर टॉप छोटा है, टॉप छोटा आ रहा है ये देखो इस तरीके से, तो ये टॉप छोटा है, बाकी का सब ठीक है पर टॉप छोटा है उसके आ नहीं रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं स्कर्ट स्कर्ट होना पहने, स्कर्ट काफ़ी बड़ा है तो ये वाला जाके ये वापस करना है, ये छोटा है टॉप तो इस वजह से ये स्कर्ट टॉप फ्रॉक टाइप में है, मतलब वैसे दूर से देखे तो स्कर्ट, मुझे तो ये फ्रॉक ही लगी थी पर स्कर्ट है। और ये मैंने तीन पैंट मंगाए, कॉम्बो है इस तरीके से, बाहर ईंटें पड़ रही हैं तो पैंट में इस तरीके की ये डिजाइन की गई है, नीचे से मोहरी है इसकी इस तरीके से है, और ये रबड़ वाले, यही वाले मुझे ज़्यादा सही लगते हैं क्योंकि सोना को टॉयलेट टॉयलेट आए तो वो कर सके, बटन खोल नहीं पाती हैं, इस तरीके के पैंट हैं ये देखो, उस पर अलग बनी, इस पर ये बना हुआ है तीन, और ये इस कलर का है, ये वाला पैंट इस पे ये छपा हुआ है, कॉम्बो है ये, तीन का कॉम्बो है ये, तीन इस तरीके से ये देखो, और देखो बच्चों की आवाज आ रही होगी, ये तीन हो गए। एक सेकंड, आप लोग कहेंगे सोना सोना के लिए मंगाए बंसु के लिए नहीं मंगाए, तो ऐसा नहीं है, बंसु के लिए भी मंगाया, बच्चों के लिए दोनों के लिए, और एक चीज एक और दिखा दो फिर, एक ये सोना के लिए टॉप, इसकी बाजू फूली फूली सी है गले में इस तरह की, इसकी ये बाजू फूली है, सोना को बेहद पसंद आया, ये देखो ये देखिए अच्छा लग रहा है पर्पल कलर है इसका, सबरा सारा मैंने यही रख रखा है इसमें। एक चीज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, ये बंसु का है जो नीचे से खुले, मतलब जांघों पे टाइट और नीचे से खुले हुए, वो वाला मैंने बंसु, पर थोड़ा उसमें टाइट है, ओ सॉरी उसमें कमर में ढीला है, बेल्ट यूज करनी पड़े, इस तरीके का ये पैंट मंगाया है मैंने, ये आजकल चल रहे हैं वो, उन्हें अब बड़ी वंशु बड़ी है थोड़ी सी, तो उन्होंने अपनी पसंद से किया, थोड़ी कमर ऐसी आती है पर कमर के लिए ऑप्शन है इसको इस तरीके से, इसको खींच सकते हैं इस तरीके से खींच के, और इसमें बटन में ऐड कर सकते हैं, तो ज़्यादातर तो वंशु अपने पसंद का ही करती है, इसको इसमें इसमें बटन में अटैच कर दो, करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो इतना एक्स्ट्रा है, तो ये कमर का, तभी बेल्ट ले देंगे, एक ये बंसु के लिए मंगाया मैंने, अभी दिखा रही हूँ बाद में मेरी हालत क्या होगी वो दिखा रही, सोना के लिए एक डगरी मंगाई है, बंसु के लिए भी डगरी मंगाई थी, उनकी छोटी आ गई तो उनकी वापस कर दी, वापस आ जाइए, देखो ऐसे पहन के डाला, ये इस तरीके की सोना की डगरी है, पीछे इस तरीके से है, रबड़ वाला, मतलब ऐसी बंसु की मंगाई थी, देखो ये देखो इस तरीके की डगरी है, एक मिनट, हाँ तो ये डगरी बाहर शोर हो रहा था, बंसु की भी सेम है, कल आ जाएगी उनकी, और इसके साथ टॉप, ये वाला टॉप दिया है ब्लैक, और वंशु का ये, वंशु के थोड़े से छोटे वैसे साइज पे थोड़े से वैसे हैं, ये वंशु का टॉप है, उस वाले जीन्स पे का ये वाला मंगाइए, नाली बाबू ठीक गेट बंद करो, तौलिया लगाओ वालों पे, ये इस तरीके का टॉप है वंशु का, एक टॉप बड़ा आया
जो ज्यादा मतलब शरीर में ढीला था तो सामने वो ले लिया और दे दिया मैंने, उनको आ जाएगा क्योंकि रिटर्न में डाल दिया। तो सोन बंसु की डगरी भी थोड़ी सी फिट नहीं आई तो वो भी रिटर्न में चली गई है। तो ये हुआ, ये ठीक आया बंसु का, ये ठीक आया, वो बड़ा दे दिया। तो इस पे गले पे इस तरीके का मोती लगे हुए हैं और इसका ये इस तरीके का है, बंसु को बहुत पसंद आया। और बंसु की डगरी है वो वापस आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो दिखाती हूँ एक मिनट। और बाकी के आए नहीं है तो दिखा दूंगी। बंसु के मैंने इसमें एक जोड़ी दिखाया, एक जीन्स और एक टॉपी दिखाया, क्योंकि उनके साइज का थोड़ा इशू कर रहा था, एक टॉप आया नहीं तो किसी ने ले लिया। और सोना के बंसु के लिए भी डगरी मंगाई है तो वो थोड़ी सी बड़ी आ गई थी तो उसको रिटर्न पे डाल दिया है। और टॉप मंगाया एक बंसु ने फ्रॉक, मतलब दोनों को बराबर मंगाया, नहीं तो ये लड़ लड़ के ऐसा मेरा हाल करती ना, मुझे ही पता है, आप लोग भी समझ। और मैंने एक केक का ये मंगाया है, केक बनाने का ये पाउडर है। केक बनाऊंगी जब आप लोगों को दिखाऊंगी, एक के साथ एक फ्री है, अभी मैं नहीं दिखा रही, सीक्रेट है, बाद में दिखाऊंगी, है ना सोना, है ना बंसु। और दिखाती हूँ बैक कैमरा क्या होता है, ये देखो। और बंसु नहा लिए, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हाल होता है एक वीडियो, ऐसे वीडियो का बनाने में बहुत ज़्यादा वो रहता है। और सामान आया नहीं है, फिर से आप लोग से बोल रही हूँ, ये सामान जो आ गया है वो मैंने दिखाया है आप लोग, फिर रह जाता है, आप लोग बोलते बच्चों के लिए कुछ लिया नहीं है, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया है, मत करो। और सोना के साथ ये वाला पर्स भी आया है, उस वाली ड्रेस के साथ, है ना सोना, ये वाला पर्स भी आया, चैन वगैरह सब, तो सोना इसी को ले लेके घूम रही है, ये देखो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर इनमें से आपको कुछ भी अपने लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अमेजोन पे आप लोगों को पता है रिटर्न, जैसे कि मैंने बताया छोटा बड़ा साइज है, आसानी से रिटर्न है। और फेस्टिवल आते हैं तो महा फेस्टिवल सेल वगैरह डिस्काउंट कॉम्बो, जैसे मैंने सोना के दो कॉम्बो में लिए, कॉम्बो में ऑफर चलता रहता है। देखो मैंने ये वाला केक का लिया, इसके साथ तीन फ्री है और बहुत ही अवेलेबल प्राइज है, मत करो बहुत, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे कितने के लिए क्या लिए सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते। बाकी के कपड़े रह गए, अगर आपको देखने हो तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। ये इतने ही आए हैं तो जो मैंने दिखा दिए। और आप भी जाइए अमेजोन से वो किए, शॉपिंग करिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफर चलते हैं, सेल चलती रहती है, आए दिन बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चलते रहते हैं। तो जल्दी जाइए, बाय, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।